हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए जल्दी से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब को देख रहे हैं आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। वोट डालने के बाद वही स्याही लगी उंगली जो आज किसी मेडल से कम नहीं होती है, किसी तमगे से कम नहीं होती है एक वोटर के लिए, वही अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीर दिखाते हुए सुनील अरोड़ा जी। वोटर्स के लिए क्या मैसेज है आपका आज के लिए? जितना विजय जी, आज के दिन तो सबसे बड़ा तमगा, सबसे बड़ा मेडल यही स्याही लगी उंगली होती है एक वोटर के लिए। एक वोटर के लिए होती है और मुख्य चुनाव आयोग की तो बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है ऐसे में। और हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार सभी पार्टियों के टारगेट पे रहा है। सभी पार्टियां भी लगातार आधा समय तो चुनाव आयोग के दरवाजा खटखटाने में जाती रही हैं कि इस नेता ने ये बयान जारी कर दिया, इस नेता ने ये बयान जारी कर दिया, इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे में चुनाव आयोग की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है और चुनाव आयोग बहुत बार राजनीतिक पार्टियों से राजनीति में और ज्यादा शुचिता लाने की अपील करता है, लेकिन चुनाव आयोग की मजबूरी यह है कि बिना दांत वाला एक तरह से शख्स है। अभय जी, इस बार हमने चुनाव आयोग का दिल्ली के चुनाव के अंदर जितना रोल देखा, जितने उसने प्रतिबंध लगाए, जितने नेताओं को अपने दायरे में लिया, इससे पहले कभी दिखा दिल्ली के चुनाव में या इसी बार इतनी पिछ आई थी दिल्ली चुनाव की? नहीं, दिल्ली के चुनाव में जो पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था, उससे पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था। इस चुनाव में विशेष रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। और एक और ध्यान करने की बात है, जो चुनाव आयोग ने आलोचना की, जो प्रतिबंध लगाए, वो केवल एक ही पार्टी के लोगों पर लगाए हैं। ना कांग्रेस के किसी नेता की कोई विशेष आलोचना हुई, ना उसको प्रतिबंध लगा, ना आम आदमी पार्टी के। जो कुछ हुआ है केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, मंत्री, उन्हीं के ऊपर हुआ है, ये बात ध्यान देने योग्य है। प्रदीप जी, और एक सांसद पर दो बार, ये भी अपने आप में इतिहास में मुझे लगता है पहली बार होगा। इससे एक एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि बीजेपी के लिए स्टेक्स कितने बड़े हैं, बीजेपी इस चुनाव को कितना महत्व दे रही है। ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा प्रदेश है, हार जाएंगे तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई बड़ा प्रदेश नहीं है। ये सोच इस बार बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जो भी तरीका हो सके येन केन प्रकारेण इस चुनाव को। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।